हेलो सो पैराबोला चैप्टर कंटिन्यू करते हैं तो क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला कभी भी पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है तो हमें एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन मतलब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स चाहिए तो वो उस फोकस फोकस दे रखा है वन कॉमा वन एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स इज़ एक्स प्लस वाई प्लस माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो तो फोकस दे रखा है आ, फोकस दे रखा है टेन जेनेट वर्टेक्स दे रखा पर डायरेक्टिक्स नहीं दे रखी है निकालनी पड़ेगी तो ठीक है फोकस कितना हो गया वन कॉमा वन और क्या दे रखा है इसने इसने टेन जेनरेट वर्ड दे रखी है तो हमें यह पता है कि टेन जेनेट वर्ड जो होती है वो वर्टेक्स टैक्स पे आती है और वर्टेक्स और फोकस को ज्वाइन करने वाली लाइन फोकस एक्सेस ऑफ पैराबोला होती है वर्टेक्स और फोकस को ज्वाइन करने वाली लाइन एक्सेस ऑफ पैराबोला होती है और एक्सेस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो डायरेक्ट्रिक्स होती है तो डायरेक्ट्रिक्स विल बी पैरल टू सो डायरेक्ट्रिक्स विल बी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू एक्सेस ऑफ पैराबोला एंड पैरल टू टेन एट वर्टेक्स सो टेन एट वर्टेक्स एक्सेस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर होती है डायरेक्ट्रिक्स एक्सेस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर और टेन एट वर्टेक्स के पैरल तो टेंजेंट एट वर्टेक्स कितना है एक्स प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो इसके जो पैरेलल लाइन की इक्वेशन होगी वो एक्स प्लस वाई प्लस लैमडा इज इक्वल टू जीरो होगी तो अगर मुझे लेमडा की वैल्यू मिल जाए तो लैमडा की वैल्यू इक्वेशन कंडीशन कंडीशन ये है कि फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से पास होगी अब फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालेंगे उसके लिए वर्टेक्स लगेगा और वर्टेक्स कैसे निकलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स एंड एक्सेस ये एक्सेस है और ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है टेंजेंट एट वोटेक्स तो एक्सेस की इक्वेशन लगेगी तो इक्वेशन ऑफ एक्सेस एक्सेस मतलब ए और एस तो वाई माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन अब स्लोप कहाँ से आएगा तो स्लोप ऑफ ए एस तो स्लोप ऑफ ए एस नहीं निकाल सकते ए क्योंकि ए नहीं दे रखा तो टेंजेंट जनरेड से निकालेंगे तो टेंजेंट जनरेड का स्लोप कितना माइनस वन तो ए एस का स्लोप होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल दैट इज़ वन तो यह जगह वन तो वाई माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन सो दिस इज एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो तो एक्सेस की इक्वेशन हो गई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो अब इसको सॉल्व करेंगे सॉल्व विथ टेंजेंट एट वर्टेक्स एक्स प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो उसमें वर्टेक्स मिलेगा तो वर्टेक्स आता है हाफ कॉमा हाफ तो वर्टेक्स आ गया हाफ कॉमा हाफ और हमें पता है वॉट एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस तो मिड पॉइंट को डबल करके इसको सबट्रक कर देंगे तो so, ए को डबल करके और फोकस में से उसको सब्ट्रक करेंगे तो हमें फुट ऑफ़ डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा तो so, ये आएगा ज़ीरो कॉमा ज़ीरो तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आगे ज़ीरो कामा ज़ीरो तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस लैमडा इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज ऑल्सो पासिंग थ्रू जीरो ज़ीरो तो इज इक्वल टू ज़ीरो तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो तो पी एस स्क्वायर इजिक्वल टू पी एम स्क्वायर पैराबोलर की इक्वेशन निकालने के लिए तो ऐसे फोकस है वन कॉमा वन और डायरेक्टर्स इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो तो यह आ जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज एक्स प्लस वाई अपॉन रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर तो इसको से एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन टू तो वो टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई तो टर्म्स को रीअरेंज करेंगे तो एक्स uh, ये इसका एक्स स्क्वायर आ जाएगा फिर इन दोनों से वाई स्क्वायर आ जाएगा माइनस टू एक्स वाई ये वाला तो ये तीनों टर्म्स तो हो चुके हैं एंड माइनस फोर एक्स माइनस फोर वाई प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो सो दिस विल बी दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला नेक्स्ट क्वेश्चन है तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स एक पैराबोला है तो वाई की क्वाड्रेटिक है यानी हॉरिजेंटल पैराबोला वाई स्क्वायर इज गल टू फोर एक्स यानी स्टैंडर्ड पैराबोला तो उसका जो वर्टेक्स है ट्रेंगल का ट्रेंगल का एक वर्टेक्स वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला ही है और ट्रेंगल इक्वलेटरल है तो ट्रेंगल की साइड लेंथ बतानी है तो इस तरह से मान लो तो दिस इज द दिस इज द पैराबोला एंड ट्रेंगल क्या होगा सो so, ट्रेंगल का एक वर्टेक्स वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला ही है तो ये इस तरह से कुछ होगा तो इस तरह से ट्रैंगल होगा जिसका एक वर्टेक्स वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला ही होगा और ये इक्वलैटल ट्रेंगल है तो साइड लेंथ बराबर होगी फ्रॉम सिमेट्री दिस इज़ परपेंडिकुलर तो ट्रेंगल के बीच का एंगल होता है सिक्सटी डिग्री तो ये एंगल कितना हो जाएगा थर्टी डिग्री दिस इज़ सिक्सटी डिग्री तो दिस इज़ थर्टी डिग्री तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी एल कॉस थर्टी डिग्री हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो ये वर्टिकल हाइट कितनी हो जाएगी एल साइन थर्टी डिग्री एल साइन थर्टी डिग्री तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एल कॉस थर्टी डिग्री कॉमा एल साइन थर्टी डिग्री एंड दिस लाई ऑन द पैराबोला तो होगा क्या एल एक अननोन एक इक्वेशन एक कंडीशन कंडीशन आ जाएगी कि पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है तो लाई ऑन पैराबोला वाई स्क्वायर इजल टू फोर एक्स तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो एल स्क्वायर सन स्क्वायर थर्टी डिग्री इज इक्वल टू फोर ए एल इन टू कॉस थर्टी डिग्री तो एक एल और एक एल कट जाएगा तो एल सन स्क्वायर थर्टी डिग्री होगा वन बाई फोर फोर ए काज थर्टी डिग्री होगा रूट थ्री बाय टू तो ये टू टू का एट टू कैंसिल होगा तो एल इजिकल टू एट ए रूट थ्री तो यानी साइड लाइं आ जाएगी एट रूट थ्री ए तो ट्रैंगल की साइड लाइन आ जाएगी एट रूट थ्री ए दिस इज द आंसर नेक्स्ट ये अच्छा क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एक सर्किल जो है वो हमेशा वन कॉमा जीरो से पास हो रहा है और वाई इजिकल टू एक्स लाइन को टच कर रहा है तो उसके सेंटर का लोकस निकालना है उसके सेंटर का लोकस निकालना है तो ये इस तरह से कुछ हो रहा है तो सर्कल सर्कल हमेशा वन कामा ज़ीरो से पास हो रहा है और हमेशा वाई जिक्वल टू एक्स को टच कर रहा है तो उसका जो सेंटर है एच कामा के तो उसके सेंटर का लोकस निकालना है तो देखो ये मैं डायरेक्ट भी बोल सकता हूँ कैसे सेंटर दिस इज़ अ फिक्स पॉइंट एंड दिस इज अ फिक्स लाइन और ये जो होगा ये रेडियस होगी और सेंटर की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो होगी वो भी रेडियस होगी और ये दोनों बराबर हैं तो अगर मैं इसको एम मान लूँ और इसको एस मान लूँ तो सी एस इज एकल टू सी एम इज एकल टू रेडियस जो हर मोमेंट पे सेम रहेगा तो सर्कल कहीं पे भी होगा सेंटर कहीं पे भी होगा पर ये कंडीशन हमेशा वैलिड होगी तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस वेरिएबल uh, पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि फिक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंस और फिक्स लाइन से उसकी डिस्टेंस दोनों बराबर आ रही हैं सो द लोकस ऑफ द वेरिएबल पॉइंट इज़ अ पैराबोला द लोकस ऑफ द वेरिएबल पॉइंट इज अ पैराबोला तो ये हम ओरली भी बोल सकते हैं कि सी पॉइंट इस तरह से वेरी कर रहा है कि फिक्स पॉइंट्स एस और फिक्स लाइन एक्स इजिकल टू वाई से इस तरह से वेरी कर रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है द लोकस ऑफ द वेरिएबल पॉइंट इज पैराबोला हम इसकी इक्वेशन भी निकाल सकते हैं यूजिंग कंडीशन कैसे सी एस सी एस इज टू सी एम तो सी एस स्क्वायर इज ईक्ल टू सी एम स्क्वायर अब सी एस स्क्वायर कितना होगा एच माइनस वन का स्क्वायर प्लस के माइनस ज़ीरो का स्क्वायर और सी एम स्क्वायर यानी पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन क्या है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो तो ये एक्स माइनस वाई अपॉन रूट ओवर कोफिशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशन ऑफ वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर तो इसको एक्सपैंड करेंगे अच्छा ये हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच और के से लिए हैं तो यहाँ पे मुझे एच और के यूज़ करना होगा एच आर के तो ये एच स्क्वायर माइनस टू एच प्लस वन प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू एच के अपॉन टू क्रॉस मल्टीप्लाई तो टू एच स्क्वायर माइनस फोर एच प्लस टू प्लस टू के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू एच के तो इसको रीअरेंज किया तो एच स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस टू के स्क्वायर प्लस टू एच के तो ये टू एच स्क्वायर एच स्क्वायर एच स्क्वायर हो गया ये टू के स्क्वायर के स्क्वायर यानी के स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस टू एच के इधर प्लस टू एच के हो जाएगा माइनस फोर एच प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो तो लोकल से तो एच की जगह एक्स के की जगह वाई तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये प्लस आएगा क्योंकि टू के स्क्वायर है ना तो टू के स्क्वायर और ये के स्क्वायर लेफ्ट साइड गया तो माइनस के स्क्वायर तो टू के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई टू एक्स वाई माइनस फोर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो तो ये जो इक्वेशन आई है ये उस पैराबोला की इक्वेशन है तो ऐसा कुछ होगा कि पॉइंट इस तरह से वेरी कर रहा होगा कि वो इस तरह का पैराबोला फॉर्म कर रहा होगा तो वो इस तरह का एक पैराबोला फॉर्म कर रहा होगा और ये जो फिक्स पॉइंट होगा वो उसका फोकस हो जाएगा और ये जो फिक्स लाइन होगी वो उसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी